हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं बुलेट थ्रू में जितेंद्र। दोस्तों आज जो हम एग्जॉस्ट चेंज करने वाले हैं बुलेट 350 ब्लैक गोल्ड में, वो है फोल्डेज का प्रीमियम इंदौरी। एंड इसका साउंड ऑलरेडी मैंने अपने BS6 जो बुलेट था ना उसमें चेंज किया था, जो है इस ब्लैक गोल्ड में भी चेंज करने वाले हैं। एंड उस समय मेरे को एग्जॉस्ट साउंड बहुत ही अच्छा लगा था। एंड इस टाइम देखते हैं इस इंजन में कैसा साउंड आता है। एंड दोस्तों मल्टीपल एंगल साउंड भी होगा, बहुत सारी डिटेलिंग ना वीडियो में आगे आने वाली है, तो मेक श्योर इस वीडियो को आप जरूर देखिए। चलिए जानते हैं। तो दोस्तों एग्जॉस्ट चेंज करूं उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि ऐसी इन्फॉर्म वीडियोस आपने टाइम टाइम आ सके। दोस्तों जल्दी से इस फोल्डेज का जो प्रीमियम एग्जॉस्ट है इसको अनबॉक्स करते हैं एंड फिर आगे इंस्टॉलेशन भी करके सुनाता हूं। उससे पहले इसका भी साउंड सुनाएंगे, पहले इसको अनबॉक्स करते हैं। तो दोस्तों ये जो एग्जॉस्ट आप देख रहे हैं ये है इंदौरी 3 पाइप, एंड इसमें आप देखते हैं ये लेज़र कट जो किया हुआ है, बुलेट का लोगो जो आप देख रहे हैं ये बुलेट बनाई हुई है, एंड इस पर स्टैंडर्ड का प्रिंटिंग आ रहा है। एंड ब्लैक में एग्जॉस्ट बहुत ही अच्छा लग रहा है, ब्लैक एंड क्रोम दोनों में अवेलेबल है। ये ब्लैक जो हम गोल्ड ब्लैक में कर रहे हैं, तो साथ में ब्लैक का फिटिंग जो है दिखाने वाला हूँ। एंड इससे पहले मैं आपको सुनाता हूँ इसका स्टॉक साइलेंसर का साउंड, एंड फिर जो है हम आगे कंपेयर करेंगे। आइडल साउंड। दोस्तों एक चीज बताना चाहूंगा कि एग्जॉस्ट का स्टॉक साइलेंसर का साउंड बहुत सही है, बट ये चलाते वक्त बिल्कुल फील नहीं होता, ना ही वो डुक डुक साउंड जो अभी आपको सुनने को मिल रहा है स्टैंडिंग में, वो रनिंग के टाइम पे बिल्कुल भी नहीं आता। एंड यही मुझे प्रॉब्लम जो है ना स्टॉक साइलेंसर लगती है। एंड अब जल्दी से चलिए फिट करते हैं अपना जो इंदौरी है ना वो इसके अंदर। तो दोस्तों एग्जॉस्ट चेंज करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, आप घर में भी ईजिली कर सकते हैं। ये बोल्ट जो आप देख रहे हैं मेन क्लैम्प का बोल्ट, और यहाँ पर एक जॉइंट का बोल्ट आता है, ये दो ही बोल्ट ओपन करने से आप पूरा एग्जॉस्ट जो है रिमूव कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको 12 नंबर का टूल चाहिए। दोस्तों ये इंदौरी को फिट करना भी सेम इजी है, आपको सेम पोजीशन पे जो है इसको फिट कर देना है। तो दोस्तों फाइनल लुक जो है आप देखते हैं फिटिंग के बाद कुछ इस तरह से जो है लुक करेगा। एंड अगर आप देखेंगे इसका कलर और जो बैंड पाइप और बाकी कलर है एकदम एस्थेटिकली मैच कर रहा है, एंड ये पाउडर कोटेड है, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से लुक करेगा। एंड स्टैंडर्ड का लोगो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड अगर आप ओवरऑल व्यू देखो तो ये देखिए। चलिए आई नो बहुत सारे लोग इसके साउंड का वेट कर रहे होंगे, तो जल्दी सुनते हैं साउंड। एंड मल्टीपल एंगल साउंड सुनना है, रनिंग साउंड और बाकी टेस्टिंग भी जो है इसकी आगे देखने मिलती है। तो दोस्तों अब सुनते हैं इस इंदौरी का साउंड। ये है आइडल साउंड।
दोस्तों आपने सुना इसका साउंड, मुझे साउंड तो बहुत ही पसंद आया एंड आई होप आपको भी मल्टीपल एंगल जो साउंड है ना वो पसंद आया होगा। तो ये तो आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड के लिए दोस्तों, बुलेट में आप लगा सकते हैं, बट क्लासिक के लिए भी मुझे मालूम है क्वेश्चन आने वाला है, तो क्लासिक के लिए भी सेम डिज़ाइन का बनाया हुआ है एंड सेम साउंड जैसा आपको बुलेट में आ रहा है ना वैसे साउंड वो भी करेगा एंड हंटर के लिए भी सेम बनाया हुआ है। ये सारे जो हैं ये स्पेसिफिक मॉडल्स के लिए बनाया हुआ है, आप देख रहे हैं नाम जो है इस पर लगाया हुआ है एंड लुक जो है ना प्लेट का वो बहुत ही सही प्यारा कर रहा है एंड हंटर का वीडियो जल्दी ही आने वाला है। बट अगर प्राइसिंग की अगर बात करें, मुझे मालूम है प्राइसिंग भी बहुत लोग पूछने वाले हैं, तो इसका जो प्राइसिंग है वो फर्स्ट 50 बायर्स के लिए 1950 है एंड सेम क्लासिक का भी सेम प्राइस रखा गया फर्स्ट 50 बायर्स के लिए, जो भी क्लासिक एंड अलग अलग 50-50 करिएगा, ठीक है, सब मिक्स नहीं है। तो हंटर की अगर प्राइसिंग की बात की जाए तो फर्स्ट 50 बायर्स के लिए 2151 रुपीस है एंड इसके अंदर सिरामिक वूल आता है एंड इसका वीडियो भी जल्दी आने वाला है। आई होप इसका एग्जॉस्ट का जो साउंड है आपको बहुत ही पसंद आया होगा एंड बहुत सारे और भी वीडियोज हैं इस पर आने वाली है डेफिनेटली। चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बाय करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है एंड स्क्रीन में भी जो है इसका नंबर आ रहा होगा, डायरेक्टली कांटेक्ट करके मैन्युफैक्चरिंग से ही आप जो है डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। ये जहां मैं खड़ा हूं ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ही है। एंड यहीं से जो है आप डायरेक्टली बाय कर सकते हैं कॉन्टैक्ट करके।